नमस्कार। मैं मनोज सौनिक, मुख्य सचिव महाराष्ट्र। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं उनका महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत आदर पूर्वक और विनम्र पूर्वक इस समारोह में स्वागत करता हूं, और इसी के साथ महाराष्ट्र के कौशल्य विकास एवं उद्योजकता मंत्री महोदय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा को इनके स्वागत संबोधन के लिए निमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव जी शिंदे, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार, माननीय मुख्य सचिव श्री मनोजी सोनिक, गणमान्य नागरिकों एवं युवाजनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हस्ते आज महाराष्ट्र के गांवों में प्रमोद महाजन ग्रामीण विकास केंद्रों की उद्घाटन से एक नई युग की शुरुआत हो रही है। 11 जून 2014 को संसद में अपने पहले भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आधुनिक विज्ञान से लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से अच्छे शिक्षकों का लाभ और गांव के युवाओं को मिल सके तो कोई भी गांव को छोड़कर शहरों में नहीं आना चाहेगा। इन्हीं शब्दों को ब्रह्म वाक्य मानकर महाराष्ट्र में हमारी नई सरकार आने के बाद में गांवों में कौशल्य विकास के और रोजगार के नए अवसर तैयार करने की ये शुरुआत है। जहां एक तरफ सॉइल टेस्ट जैसे, ट्रैक्टर रिपेयरिंग जैसे कोर्स होंगे, वहां दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट जीपीटी जैसे टूल भी युवकों को सिखाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में शुरू की गई विश्वकर्मा योजना एवं महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए छोटे छोटे कोर्सेज भी इसमें होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमारे उद्घाटन के निमंत्रण को स्वीकार करके हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ा दी है। हम महाराष्ट्र के 10 करोड़ जनता की तरफ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह केंद्र न केवल 511 जो आज शुरुआत हो रहे हैं वो सफलता के नए इतिहास कायम करेंगे, बल्कि इसके बाद में महाराष्ट्र के 28,000 ग्राम पंचायतों में धीमे धीमे हर ग्राम पंचायत के अंदर एक कौशल्य विकास केंद्र की स्थापना होगी। आज हम जिन डिजिटल कौशल्य केंद्रों की शुरुआत कर रहे हैं वो युवकों के उज्जवल भविष्य का प्रवेश द्वार है। जब सरकार, एनजीओ व निजी क्षेत्र मिलकर काम करेंगे तो एक नई शुरुआत होगी। यह पहल सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये कौशल्य केंद्र न केवल इमारतें नहीं है, युवकों के आशा के केंद्र हैं। आइए इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि शिक्षा और कौशल्य विकास हमारे व्यक्तियों के निवेश, केवल व्यक्तियों में निवेश नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि में निवेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिस तरह के गांव के युवकों ने खेलों के अंदर भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन किया, उसी तरह से गांवों के विद्यार्थी जब कौशल्य से लसित तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद में भारत में नहीं दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री के मन में जो कल्पना है कि गांवों का इतना समृद्ध और सक्षम कर दिया जाए कि गांवों से शहर आने के लिए पहल में कहीं ना कहीं रोक लगे, हमारे गांवों का विकास हो, गांव में भारत की आत्मा बसती है, जब गांव बढ़ेंगे, गांव मजबूत होंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने का 25 साल और 50 साल के बाद के भारत का सपना हम सब मिलकर साकार करने में अपना रोल कर सकेंगे। पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत मन से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अजीत पवार जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना संबोधन करें। सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, माननीय लोढ़ा जी, सभी साथियों, भाइयों, बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें याद है कि आपके नेतृत्व में के कारण केंद्र में कौशल्य विकास के लिए नया स्वतंत्र मंत्रालय शुरू किया गया। केंद्र का कौशल्य विकास मंत्रालय देश में एक अहम मंत्रालय के रूप में आज कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र का कौशल्य विकास मंत्रालय भी 511 केंद्रों का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री जी के स्वप्न पूर्ति में अपना योगदान दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आपने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की घोषणा की।
इसका लाभ महाराष्ट्र के सुतार, सोनार, लोहार, चर्मकार, गवंडी, कुंभार, बुनकर, हमारे नाभिक भाई, झाड़ू बनाने वाले, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले हमारे शिल्पकार, मछली की जाली बनाने वाले, लकड़ी की छोटी नाव बनाने वाले, ऐसे 18 प्रकार के कारीगरों को होगा। महाराष्ट्र तथा देश के पारंपरिक कौशल्य वाले लोगों को उनका कारोबार करने में मदद मिलेगी। आपके दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय के लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके हाथों से उद्घाटन हो रहा इन 511 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण महाराष्ट्र में एक नई रोजगार क्रांति लाने की शुरुआत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इन केंद्रों में ग्रामीण युवाओं को उद्योजक के आज के जरूरत के अनुसार ज्ञान प्रशिक्षण मिल पाएगा। इन केंद्रों में प्रशिक्षित युवा रोजगार कुशल, रोजगार सक्षम बनेंगे। इन प्रशिक्षित युवाओं को राज्य और देश के लिए नए उद्योजक भी निर्माण होंगे और औरों के लिए नया रोजगार निर्माण करने में सक्षम रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारत महासत्ता बनाने की ओर विश्वास के साथ बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प आपने किया है। आपके इन अपने और संकल्प के पूर्ति में महाराष्ट्र पूरी क्षमता से प्रयास करेगा, आपके साथ खड़ा रहकर पूरा सहयोग देगा। देश को महासत्ता बनाने के आपके मिशन में महाराष्ट्र के 13.5 करोड़ नागरिक आपके साथ है, ये विश्वास यहाँ उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हम सभी की ओर से मैं आपको देना चाहता हूँ। आज उद्घाटन हो रहे 511 कौशल केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण महाराष्ट्र में फिर एक बार नया स्वराज्य निर्माण होगा। यह नया स्वराज्य उद्योग स्वराज्य, रोजगार स्वराज्य, आर्थिक स्वराज्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महाराष्ट्र के दिल की आवाज सुन सकते हैं। महाराष्ट्र को क्या चाहिए ये जान सकते हैं। महाराष्ट्र को जो चाहिए वो देने की क्षमता रखते हैं। महाराष्ट्र के कृषि, उद्योग, शिक्षा, आरोग्य, रोजगार निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हमें आपके साथ सहयोग समर्थन की जरूरत है और वो मिलता रहेगा, ये विश्वास हमें सबको है। इतना ही कह के आज के ये प्रोग्राम के बारे में मैं पूरे एक आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। अब मैं विनंती करूंगा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री फडणवीस से ताकि अपने विचार व्यक्त करें। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी, हमारे उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी, हमारे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव श्री सौनिक जी, यहाँ सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से उपस्थित हमारे सभी विश्वकर्मा का नमन करने वाले सभी अलग अलग कर्मी और महाराष्ट्र के 511 केंद्रों पर हमारे साथ वीडियो लिंक से जुड़े हुए करीब करीब 5 लाख हमारे प्रशिक्षणार्थी भाई और बहन और उपस्थित सभी मित्रों, आज ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से महाराष्ट्र के
511 केंद्रों पर और विशेष रूप से ग्रामीण भागों में कौशल्य विकास केंद्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि भारत को अगर महाशक्ति बनाना है तो हमारे गांव में बसने वाले लोगों का कौशल विकास करना होगा, और प्रधानमंत्री जी ने जो कौशल विकास की योजना शुरू की, आज हम लोग देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर आज इसका परिणाम हम भारत में देख सकते हैं। विशेष रूप से आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कारण रोजगार के जो अवसर पैदा हुए हैं, उन अवसरों को पाने के लिए हमारे युवाओं का कौशल प्रशिक्षित होना ये बहुत जरूरी है। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनकी मेहनत से जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो उस दौर में और विशेष रूप से उस प्रवास में सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी कौशल पर है, दूसरी ओर अवसर है, युवाओं को अवसरों से मिलाने का काम ये कौशल विकास केंद्र करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि विश्वकर्मा जैसी योजना भारत में जो सच में अपने मेहनत के भरोसे भारत के अर्थनीति को मदद करते हैं और विशेष रूप से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करते हैं, ऐसे सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने वाली विश्वकर्मा योजना मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अधिकारिता देने वाली योजना ये विश्वकर्मा योजना है। और इस योजना को भी प्रधानमंत्री जी आपने शुरू किया है, और हमारे इन कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से इस योजना को भी हम कैसे बल दे, उसके लिए हम कैसे लोगों को प्रशिक्षित करें और उनको वित्तीय व्यवस्था के साथ जोड़े, इसका प्रयास भी आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। मेरा विश्वास है कि आज 511 केंद्रों से हमने शुरुआत की है, और मैं विशेष रूप से मंगल प्रभात लोढ़ा जी का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने इसमें पहल की और इस संकल्पना को यथार्थ में लाने का प्रयास किया। और मैं विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको दिलाता हूं कि 511 से 5000 तक का सफर हम जल्दी तय करेंगे, और भारत महाराष्ट्र के एक एक बड़े गांव में कौशल विकास केंद्र पहुंचे, और पारंपरिक कौशल, आधुनिक कौशल, और जो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय की मांग होगी, इस प्रकार का कौशल भी गांव गांव तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार करेगी। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने स्वयं इसमें पहल की है, और मेरा विश्वास है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कौशल भारत का, उसको पूर्ण करने का प्रयास महाराष्ट्र करेगा। प्रधानमंत्री जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए जो समय दिया है, इससे हमारा बहुत प्रोत्साहन बढ़ा है, और आपके इस प्रोत्साहन के कारण इस कार्यक्रम को गांव गांव तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं, फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। प्रमोद महाजन, ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, माझे सहकारी लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, मंगलप्रभात लोढ़ा जी,
आमचे मुख्य सचिव सोनिक जी, सर्व अधिकारी, सर्व मान्यवर, सर्व मंत्रीगण आणि व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला जोडलेले लाखो नागरिक बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, सबसे पहले मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से महाराष्ट्र की जनता की ओर से स्वागत करता हूं। उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज हम राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत कर रहे हैं। उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। स्किल इंडिया मिशन की नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8 साल पहले ही रखी थी। मुझे याद है मोदी जी ने तब कहा था, स्किल डेवलपमेंट ये पेट भरने का या जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है, गरीब परिवार में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का यह प्रयास है। स्किल इंडिया मिशन में अब तक 5,70,00,000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं, बेरोजगारी मिट रही है, देश के विकास में तेजी आई है। देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज पिछले 6 साल में सबसे कम हुआ है। यह सिर्फ माननीय और हमारे आदरणीय मोदी जी के विजन के कारण है, उनकी मेहनत के कारण है और उनकी वजह से यह संभव हुआ है। और निश्चित रूप से इसलिए जब राज्य में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों के लोकार्पण की बात आई तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ आदरणीय हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ही हमारे सामने आया और उनके व्यस्त समय में हम सब लोगों ने उन्हें यह अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में आप आइए और उन्होंने इस कार्यक्रम का नियुक्ता स्वीकार किया। इसलिए मैं फिर एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ्य होता है। हमारा सामर्थ्य है युवा शक्ति और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यह सदी भारत की होगी, क्योंकि आज भारत जितनी युवा शक्ति किसी भी देश के पास नहीं है, ये वास्तवता है। आज सही मायने में मोदी जी देश के युवाओं के नेता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी हमारी युवा शक्ति को देश के सबसे प्रीशियस रिसोर्स के तौर पर जाना नहीं, उन पर ध्यान भी नहीं दिया। भारत आज अपने युवाओं की स्किल पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी भी नहीं किया गया। हम अपने युवाओं को कौशल्य और शिक्षा के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। गत 9 सालों में देश में 5,000 नए ITI शुरू हुए हैं, जिसमें 4,00,000 से अधिक नई सीटें हैं। PM विश्वकर्मा जैसी क्रांतिकारी योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो विश्वकर्माओं को ट्रेडिशनल और स्किल से मॉडर्न टेक्निक को जोड़ेगी। और मैं ये भी कहूंगा, अपना अर्थसंकल्प जो होता पहलाच अर्थसंकल्पामध्ये पहले अर्थसंकल्प में हमारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में होने वाला स्थलांतर कम करने के लिए गांव-गांव रोजगार व स्वयं रोजगार बढ़ना चाहिए, ऐसी कौशल्य विकास सेंटर शुरू होने चाहिए, ऐसा मानस उनके बजट स्पीच में उन्होंने किया था। और इसका बहुत ही पहल हमारे मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने किया, ये 511 केंद्र यहाँ होने चाहिए, और इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही इसमें मेहनत की है। और इसमें हर केंद्र से 100 हर साल लगभग 50,000 कुशल जो हमारे युवा है उनकी फौज इसमें तैयार हो जाएगी। सबसे महत्व की बात कि ग्रामीण इलाकों में अति दुर्गम विभाग में युवा और युवती स्किल डेवलपमेंट उनका हो जाएगा,
इसमें 30% युवती मतलब महिलाएं का भी सहभाग होगा। और हम लोग हमेशा कहते हैं मराठी में बेरोजगाराची फौज, पण ही आमची खऱ्या अर्थाने आता यापुढे कुशल तरुणांची फौज निर्माण होईल स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून। आणि उद्याच्या महाराष्ट्रामध्ये हे सन्मानाने नोकरी आणि व्यवसाय करतील आणि गावाच्या प्रगतीला, शहराच्या प्रगतीला, देशाच्या प्रगतीला हातभार लावतील। हमारी सरकार आने के बाद हम कौशल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सरकारी ITI स्टूडेंट को केवल 40 रुपए स्टाइपेंड मिलता था, हमारी सरकार ने उसे 500 रुपए कर दिए। 12वीं कक्षा के 15,000 छात्रों के रोजगार और शिक्षा के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ MOU भी किया है। स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया। राज्य में ITI में 75 वर्चुअल क्लासरूम लॉन्च किए गए। मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति के माध्यम से 12,000 से अधिक नए उद्यमियों को लोन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। सारथी के माध्यम से 27,000 से अधिक विद्यार्थियों को कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का काम भी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने 290 ऑनलाइन ऑफलाइन रोजगार जॉब फेयर का भी आयोजन किया, उसमें लगभग 1,40,000 लोगों को रोजगार मिला। और इसमें लगभग हमारी सरकार ने पिछले एक साल में 1,50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट भी किया है। इससे 1,50,000 से ज्यादा रोजगार भी निर्माण हो गए। इसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, दुर्गम अति दुर्गम जैसे गढ़चिरौली इलाका जो नक्सलवाद इलाका है उसमें भी ये कारोबार शुरू हुआ है और उसमें लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिला है। और आगे जो नया उद्योग शुरू होगा उसमें और 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी हमारी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे अजीत दादा ने अभी कहा कि आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है, क्योंकि ये सरकार ये सर्व सामान्य लोगों की सरकार है। ये हर सेक्टर के वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करने वाली सरकार है। और इसके लिए इस का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। प्रमोद महाजन, ये इनकी दूरदृष्टि, आधुनिक तंत्रज्ञान जो उन्होंने हमेशा उसको आगे बढ़ाया, उनके नाम से होने वाली ये जो 511 सेंटर है, मैं इसमें इतना ही कहूंगा मराठी में कि ही केंद्र जी आहे की राज्यातील रोजगार मंदिर बनतील अशा प्रकारचा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। महाराष्ट्रातील युवकांना रोजगार देणारी आणि स्वयंपूर्ण करणारी अशा प्रकारची ही कौशल्य विकास योजना किंवा केंद्र नक्की ठरतील। यामुळे राज्याचा बेरोजगारांचा टक्का कमी होईल, कामधंद्यासाठी गावाकडून शहराकडे येणाऱ्या लोकांचा लोंढा कमी होईल। आणि यही उद्देश हमारा है, ग्राम विकास का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि युवाओं को उन्हीं के गांव में रोजगार मिले। और यह प्रयास हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये शुरुआत है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में देश का हमारे नाम रोशन हो रहा है, G20 जैसी अध्यक्षता हमें मिल रही है। और ये पूरी दुनिया के अंदर आज जहां भी जाए वहां पर मोदी जी का नाम और भारत का नाम सब लोग अभिमान से ले रहे, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की अटूट मेहनत परिश्रम है। इतना ही मैं कहूंगा, आपका आशीर्वाद हमारी सरकार पर, हमारे सभी जनता के ऊपर कायम बनाए रहे रखे, इसी उम्मीद के साथ मैं फिर एक बार आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि आप 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन करें।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के ग्रामीण विकास के सपने को पूरा करने के लिए पिछले 9 वर्षों में देश के ग्रामीण युवाओं को कौशल सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में 12 लाख से अधिक युवाओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 2023-24 के बजट में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र खोलने के लिए प्रावधान किया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों के 350 तालुका में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। यहां करीब 5 लाख लाभार्थी कौशल विकास प्रशिक्षण पा सकेंगे। प्रत्येक सेंटर में पारंपरिक तथा कौशल के अन्य 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे। कोर्स की अधिकतम अवधि 6 महीने की होगी। ये केंद्र प्रतिवर्ष लगभग 50,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के लिए सक्षम बनाएंगे। ये राज्य और देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करेगा। कौशल के साथ व्यक्तित्व का भी विकास होगा। ये सेंटर्स पीएम विश्वकर्मा स्कीम के प्रशिक्षण के लिए भी उपयुक्त होंगे। महाराष्ट्र के युवक अपने कुशल कार्यबल से आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी लिखेंगे और अमृतकाल में भारत को दुनिया का कौशल मानव संसाधन हब बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हम सबों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, देवी और सज्जनों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है। हर मां की ये कामना होती है कि उसकी संतान को सुख मिले, यश मिले। सुख और यश की ये प्राप्ति शिक्षा और कौशल से ही संभव है। ऐसे पावन समय में महाराष्ट्र के हमारे बेटे बेटियों के कौशल विकास के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और मैं जो लाखों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और जो कौशल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिए हैं, मैं जरूर कहता हूं कि उनके जीवन में आज की ये प्रभात मंगल प्रभात बन गई है। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर
सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग की संख्या बढ़ रही है और ट्रेन युवा बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे ये बताते हैं कि दुनिया के 16 देश करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी उसकी कमी की वजह से ये देश दूसरे देशों पर निर्भर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां आज विदेशों में बहुत डिमांड है। इसलिए भारत आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है। ये जो नए कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के गांवों में खुलने जा रहे हैं, ये भी युवाओं को दुनिया भर के अवसरों के लिए तैयार करेंगे। इन केंद्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे, आधुनिक तौर तरीके से खेती कैसे हो इससे जुड़ी स्किल्स सिखाई जाएगी। महाराष्ट्र में मीडिया और एंटरटेनमेंट का काम इतना बड़ा काम है, इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले अनेक केंद्र स्थापित होंगे। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का बहुत बड़ा हब बन रहा है। ऐसे में दर्जनों केंद्रों पर इस सेक्टर से जुड़ा कौशल भी सिखाया जाएगा। ये महाराष्ट्र के युवाओं को इस कौशल विकास के केंद्रों की मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, शिंदे जी और उनकी पूरी टीम से, कि इनके कौशल विकास में हमने सॉफ्ट ट्रेनिंग की ओर भी थोड़ा समय देना चाहिए, जिसमें अगर ये हमारे नौजवानों को विदेश जाने का मौका मिलता है तो सामान्य व्यवहार की जो बातें होती हैं, जो तजुर्बा होता है, एक 10-20 अच्छे दुनिया में काम में आ जाएं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना हो या एआई के माध्यम से उनको इंटरप्रेटर के रूप में लैंग्वेज समस्याएं न आए, तो ये चीजें विदेश में जाने वाले लोगों के लिए बहुत काम आती हैं। और इस प्रकार से जो पहले से तैयार होते हैं, कंपनियां भी उनको जल्दी रिक्रूट करती हैं ताकि वो वहां जाकर के तुरंत ही इस काम के लिए योग्य बन जाते हैं। तो मैं चाहूंगा सॉफ्ट स्किल के लिए भी कोई न कोई प्रावधान किया जाए, कोई ऑनलाइन मॉड्यूल्स डेवलप किए जाएं, जो बाकी समय ऑनलाइन एग्जाम देते रहे ये बच्चे, तो हो सकता है कि एक विशेष विधा उनकी डेवलप होगी। साथियों, लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना वैसी गंभीरता थी और ना ही वैसी दूरदृष्टि थी।
इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद, स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है, मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। अलग से बजट तय किया गया और अनेक योजनाएं शुरू की। कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार ने देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है। बाबा साहब आंबेडकर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते थे। बाबा साहब का चिंतन जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ था। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि हमारे दलित और वंचित भाई बहनों के पास उतनी जमीनें नहीं है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गरिमापूर्ण जीवन मिले, इसके लिए वो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस पर बहुत जोर देते थे और उद्योगों में काम करने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है स्किल, कौशल। अतीत में बड़ी संख्या में समाज के यही वर्ग स्किल्स के अभाव में अच्छे काम, अच्छे रोजगार से वंचित थे। और आज भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ने का मार्ग दिखाया था। उनका अटूट विश्वास था कि जिसके पास ज्ञान और कौशल होता है, वही समाज में परिवर्तन ला सकता है। माता सावित्रीबाई की प्रेरणा से सरकार बेटियों के शिक्षण और प्रशिक्षण पर भी समान जोर दे रही है। आज गांव गांव में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। अब देश ड्रोन के माध्यम से खेती और विभिन्न कार्यों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए भी गांव की बहनों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। साथियों, हमारे यहां गांव गांव में ऐसे परिवार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी
अपने हुनर को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा गांव ऐसा होगा जहां बाल काटने वाले, जूते बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सुनार ऐसे हुनरमंद परिवार नहीं है? ऐसे परिवारों को सपोर्ट करने के लिए ही अब भारत सरकार ने, जिसका अभी उल्लेख अजीत दादा ने भी किया, भारत सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है। इसके तहत ट्रेनिंग से लेकर आधुनिक उपकरण और काम को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इस पर केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र में बनने जा रहे ये 500 से अधिक ग्रामीण कौशल विकास केंद्र भी पीएम विश्वकर्मा योजना को आगे बढ़ाएंगे। मैं महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए विशेष रूप से बधाई दूंगा। साथियों, कौशल विकास के इन प्रयासों के बीच हमें यह भी सोचना होगा कि किन क्षेत्रों में स्किल्स बढ़ाने से देश को ताकत मिलेगी। जैसे आज मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, जीरो डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट देश की आवश्यकता है। इंडस्ट्री 4.0 के लिए नई स्किल्स की जरूरत है। सर्विस सेक्टर, नॉलेज इकोनॉमी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर सरकारों को भी नई स्किल पर जोर देना होगा। हमें यह देखना होगा कि किस तरह के उत्पादों का निर्माण हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा। ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए हमें जरूरी स्किल्स को बढ़ावा देना होगा। साथियों, भारत के कृषि सेक्टर को भी आज नई स्किल्स की बहुत जरूरत है। केमिकल वाली खेती से हमारी धरती मां, हमारी इस धरती मां पर बहुत अत्याचार हो रहा है। धरती को बचाने के लिए नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती ये जरूरी है और इसके लिए भी स्किल्स की जरूरत है। खेती में पानी का कैसे संतुलित उपयोग हो, इसके लिए भी नई स्किल्स को जोड़ना आवश्यक है। हमें एग्री प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, उसमें वैल्यू एडिशन, इसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और उसे ऑनलाइन वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए भी नई स्किल्स आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए देश की विभिन्न सरकारों को स्किल डेवलपमेंट का अपना दायरा और बढ़ाना होगा। मुझे विश्वास है कौशल विकास को लेकर ये चेतना आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगी। मैं फिर एक बार शिंदे जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और जो नौजवान बेटे बेटियां ये स्किल के रास्ते पर आई हैं, सोचे रही हैं, जाना चाहती हैं, मैं समझता हूं
कि उन्होंने सही रास्ता चुना है। वो अपने इस कौशल के माध्यम से, अपने इस सामर्थ्य के माध्यम से अपने परिवार को भी बहुत कुछ दे सकते हैं, देश को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। मेरी तरफ से इन सभी नौजवान बेटे बेटियों को विशेष रूप से अनेक शुभकामनाएं हैं। मैं एक अनुभव बताता हूं। मैं एक बार सिंगापुर गया तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उनके साथ जो मेरा कार्यक्रम बना तो मेरी शेड्यूल बहुत व्यस्त था, बहुत एंगेजमेंट बहुत ज्यादा ही थी, लेकिन उनका आग्रह था नहीं कैसे भी करके मेरे लिए कुछ समय निकालिए। तो खैर प्रधानमंत्री जी का आग्रह था तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ एडजस्ट करता हूं। मैंने, हमारी टीम ने सब वर्कआउट किया, एडजस्ट हुआ। और क्या किसके लिए मांगा तो वो मुझे, जैसे हमारे यहां आईटीआई होती है वैसा जो सिंगापुर का स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो देखने के लिए ले गए। और इतने गर्व से वो मुझे दिखा रहे थे कि वो कह रहे थे कि मैंने इसको बड़े मन से बनाया है। और एक समय था कि लोगों को इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में आने से सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी, शर्म आती थी। उनको लगता था अच्छा आपका बच्चा कॉलेज में नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, यहां जाता है। लेकिन जब से बोले मेरा ये स्किल सेंटर डेवलप हुआ है, बड़े बड़े परिवार के लोग भी मुझे सिफारिश करते हैं कि उनके घरों में, उनके परिवारों में भी स्किल के लिए इसमें एडमिशन मिले। और सचमुच में उन्होंने इतना बढ़िया उसके तरफ ध्यान दिया, लेकिन उसके कारण प्रतिष्ठा बढ़ गई। हमारे देश में भी श्रम को प्रतिष्ठा, श्रमेव जयते, ये हमारे जो स्किल्ड मैन पावर है उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना ये समाज का भी कर्तव्य है। मैं फिर एक बार इन सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आपके इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला, इन लाखों की तादाद में मैं देख रहा हूं चारों तरफ नौजवान ही नौजवान नजर आ रहे हैं, उन सभी नौजवानों के साथ मिलने का मौका दिया। मैं मंगल प्रभात जी का और शिंदे जी की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।